भोजपुरी में आपके फेवरेट कौन है? पवन सिंह, खेसारी लाल यादव या फिर दिनेश लाल यादव? भोजपुरी गाने अच्छे लगते हैं? थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, जो खराब रहते हैं वो। अच्छा, भोजपुरी में कौन सी हीरोइन आपको पसंद है? क्यों, अक्षरा सिंह से मुकदमा है क्या आपका? पवन सिंह, खेसारी लाल यादव का जो मैटर होता है कभी कभी। अच्छा, आप सपना क्या है करने का? एक सपना होता है आदमी का, यार शादी कर लें उसके बाद से आप। नमस्कार, बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, मैं हूँ सतीश चक्रवर्ती। अभी हम दिल्ली में इंडिया गेट पे हैं गुरु, और मेरे साथ एक प्यारी सी भाभी जुड़ चुके हैं। कैसी हैं भाभी जी? कहाँ से हो वैसे आप? बिहार। बिहार। अच्छा, भोजपुरी गाने उन्हें सुनती हैं, रील्स भी बनाती हैं? भोजपुरी में आपके फेवरेट कौन है? ये तो बड़ी मुश्किल है, सारे लोग फेवरेट है। फिर भी एक नाम, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव या फिर दिनेश लाल या फिर कल्लू? सारे लोग फेवरेट है। अरे यार, फिर भी तो एक फेवरेट होंगे ना? एक है ना, पवन सिंह। पवन सिंह फेवरेट हैं? रील बनाते हैं। और एक्टिंग में कौन आपको अच्छे लगते हैं? एक्टिंग तो खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल बड़का वाला फैन है? बहुत बड़का। ज्यादातर भोजपुरी गाने पे रील बनाती हैं या फिर हिंदी? मैं सारे मिक्स में, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी। वैसे इंस्टाग्राम आईडी क्या है आपका? काजल कुमारी। कब से वीडियो बना रही हैं? बस 5-6 महीने। कितना फॉलोअर्स हो गए हैं? अभी नहीं हुआ है, अभी 1300 के नाम से। अच्छा, शुरुआत है अभी? शुरुआत है। भोजपुरी गाने अच्छे लगते हैं? थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, जो खराब रहते हैं वो खराब ही। उतना मैं नहीं बनाती भोजपुरी पे, मतलब जो सही लगता है मेरे को मैं उसी पे बनाती हूँ। जो खराब, हाँ, ट्रेनिंग हुआ, फिर ट्रेनिंग में भी रहेंगे ना, अगर खराब रहेंगे तो मैं उस पे नहीं बनाती, क्योंकि मैं अब फैमिली वाले आदमी हूँ, इसी लिए मैं नहीं जाती। अच्छा, भोजपुरी में कौन सी हीरोइन आपको पसंद है? अमृपाली। क्यों, अक्षरा सिंह से मुकदमा है क्या आपका? नहीं, अक्षरा सिंह भी अच्छी है, ऐसा नहीं है। काजल डरवाने भी अच्छी है, वो भी सही है, वो भी सही है। अच्छा, भोजपुरी में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अश्लील होता है, अश्लील होता है, कुछ कहना चाहेंगी आप इसके बारे में? अश्लील होता नहीं है, बट उसको ना, मतलब जितने क्रिएटर लोग सब देखते हैं ना, वो अश्लील बना देते हैं, वो असली होता नहीं है, रियल में बताओ तो होता नहीं है। बहुत सारे लोग भोजपुरी में गंदा गाना गाते हैं, बिल्कुल परिवार के साथ सुन नहीं सकते, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी आप? ये बात तो सही है, मतलब बहुत आदमी गंदा गाना बनाते हैं, तो भाई ऐसा मत करो ना, ऐसे कहे बनाते हो। सही में आजकल सारे लोग फैमिली के साथ में सुनना पसंद करते हैं, वीडियो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि मतलब जैसे कि लड़का हुए या कि कोई जेंट्स हुए, कोई मान के तो कोई लेडीज हुई, कहीं कहीं बाहर भी रहती है वो, कभी भी गांव अगर आती है तो उसको फैमिली के साथ में अच्छा लगता है, तो वो कभी कभी ऐसे सुन लेती है तो बहुत बुरा लगता है उसको। यानी भोजपुरी गाने आपको भी अच्छे लगते हैं, है ना? और जो बुरा है उसको बुरा कहते हैं, है ना? अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में ये जो विवाद चलता है उसके बारे में भाभी जी कुछ कहना चाहेंगी? पवन सिंह, खेसारी लाल यादव का जो मैटर होता है कभी कभी? नहीं, ये सब बात की कोई लॉजिक ही नहीं है, मैं तो आपसे यही बोलती, कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब विवाद अभी उस पे हो रहे हैं, अभी कल के टाइम में, मतलब और दूसरे के साथ में उसका थपकड़ के फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, इस सब के बारे में नहीं जानकारी। अच्छा, शादी हो गई है? अच्छा, आप सपना क्या है करने का? एक सपना होता है आदमी का, यार शादी कर लें उसके बाद से, आपका क्या सपना है? आपका तो शादी हो गया है। हाँ, तो आगे क्या सपना है? आगे क्या सपना है? अपना घर वाला सपना। हीरोइन बनने का सपना नहीं है? हीरोइन नहीं, मेरे को हीरोइन नहीं बना। अच्छा, अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह, खेसारी लाल को अगर आपको चूज करना रहे, 10 वाइज नंबर देना रहे, तो किसको आप ज्यादा देंगी 10 to 10 में से? खेसारी को देंगे। खेसारी को। चलिए, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये थी भाभी जी, बहुत सारे सवालों का जवाब लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे चैनल के बारे में कुछ बोल दीजिए क्या? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए भैया। थैंक यू सो मच।